महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारत में BS6 स्कॉर्पियो SUV लॉन्च कर दी है, जिसकी मुंबई में शुरुआती एक शोरूम कीमत 11,98,000 रुपये रखी गई है। कंपनी ने हाल ही में नई 2020 स्कॉर्पियो की बुकिंग शुरू की है और इसमें दिलचस्पी रखने वाले ग्राहक 5,000 रुपये टोकन राशि अदा करके SUV बुक कर सकते हैं। बता दें कि कंपनी ने नई SUV के लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग लेना शुरू किया है। नए BS6 महिंद्रा स्कॉर्पियो अब 4 वेरिएंट्स S5, S7, S9 और S11 में उपलब्ध कराई गई है और SUV के लुक और फीचर्स को पहले जैसा ही रखा गया है। नई स्कॉर्पियो के साथ वही 2.2 लीटर 4 सिलेंडर MHawk टर्बोचार डीजल इंजन दिया गया है, जो 138 BHP पावर और 320 NM पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने इस इंजन को नए 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया है। मर्सिडीज बेंस इंडिया ने बताया है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUV EQC को अगले साल नहीं बल्कि इसी साल भारत में लॉन्च किए जाने वाला है। यहां तक कि SUV के लिए कंपनी ने बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल की है और मर्सिडीज को विश्वास है कि EQC न सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन के लिए होगी बल्कि कंपनी की कुल बिक्री में बड़ा इजाफा भी करेगी। मर्सिडीज बेंस इंडिया ने EQC SUV को भारत में शोकेस कर दिया है और देश की सड़कों पर इस कार की टेस्टिंग भी की जा रही है। भारत में लॉकडाउन खुलने पर कंपनी से जल्द लॉन्च करने का प्लान बना रही है। कार एंड बाइक एक और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आया है। SUVW नीति के अंतर्गत फोक्सवैगन ने भारत में 4 SUV लॉन्च करने की बात कही थी। अब इस दिशा में कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ाया है। फोक्सवैगन SUV रेंज में परफॉर्मेंस वेरिएंट लॉन्च करने की फिराक में है। भारतीय बाजार में इसकी शुरुआत फोक्सवैगन T-Roc GT से करने पर विचार कर रहा है। विदेशी बाजार में SUV को T-Roc R बैच के साथ बेचा जाता है और भारत में से GT बैच के साथ पेश किए जाने का अनुमान है। फिलहाल T-Roc को भारत में फुली बिल्ट इम्पोर्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है। अगर T-Roc की असेंबली देसी स्तर पर शुरू होती है तो दमदार इंजन और स्पोर्टी ट्रिम वाले वाहनों का छोटा बैच आयात करके T-Roc GT लाइन में पेश करना बेहतर विकल्प होगा। फोक्सवैगन T-Roc दिखने में काफी आकर्षक है। इसमें स्पोर्टी बम्पर के साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स और कैबिन में सीट्स पर R बैच आता है। We've had 15 years of sheer leadership bringing you the very best of the world of wheels. If you like the best, subscribe to our channels.